सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को दी जन्मदिन की बधाई। अयोध्या मामले पर 17 नवंबर से पहले फैसला तय, एसी ने कहा 18 अक्टूबर तक ही होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है ईडी, अदालत ने कहा पूछताछ करने की जरूरत। मथुरा में युवक ने बीच सड़क पर अपनी कार को लगाई आग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि वर्तमान समय के शासक उनके ज्ञान से बहुत कुछ सीखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मनमोहन सिंह के स्वस्थ और समृद्ध जीवन और आगे भी राष्ट्र व कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहने की कामना की। सोनिया ने एक बयान में कहा, हम राष्ट्र निर्माण और समावेशी विकास और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में मनमोहन सिंह को शानदार योगदान को याद करते हैं। उनके बेहतरीन नेतृत्व ने ये सुनिश्चित किया कि मुश्किल समय में भी भारत प्रतिबद्धता विकास की तरफ बढ़े। मौजूदा समय के शासक उनके नैसर्गिक ज्ञान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें 18 अक्टूबर से पहले पूरी कर लें, इसके बाद इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। याद रहे कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि दलीलें पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को 4 हफ्ते का वक्त चाहिए। सीजेआई ने कहा कि 4 हफ्ते में फैसला लिखना मुश्किल होगा। रंजन गोगोई इस केस की सुनवाई वाली 5 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। ऐसे में अगर सीजेआई फैसले से पहले रिटायर हो जाते हैं तो ये मामला फिर लटक सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली मध्यस्थता समिति के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ मामले पर रोजाना सुनवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई अन्य हिस्सों में गुरुवार को आंशिक बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में गुरुवार की सुबह से मौसम गर्मी से राहत देने वाला है। आंशिक बादल छाने के बीच बीच में धूप निकल आती है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण राज्य में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बादल बरसे। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार को कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है। ईडी ने कहा, धन के लेन देन की कड़ियों से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है। ईडी ने न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा और उनके खिलाफ धन शोधन मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी जब कभी उनके मुवक्किल को बुलाती है वह उसके सामने पेश होते हैं और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। वकील ने यह भी कहा कि ईडी ने जो प्रश्न किए उनके मुवक्किल ने उनका उत्तर दिया और उन पर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करने का ये अर्थ नहीं कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। मथुरा के सिविल लाइन रोड पर 1 घंटे तक लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा चला जब एक युवक ने अपनी कार को आग के हवाले कर दिया। घटना सिविल लाइन चौकी के सामने एसएसपी ऑफिस और कोर्ट परिसर के सामने की है। युवक ने कार से एक युवती और 3 बच्चों को नीचे उतार दिया। महिला और पुरुष दोनों के हाथों में पिस्टल थी। दोनों खुद को भ्रष्टाचार से पीड़ित बता रहे थे। कार में लगी आग को देखकर घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई और युवक युवती को गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगी। पुलिस को आता देख युवक युवती ने
पुलिस पर सामने से पिस्टल तान दी। युवक ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी कर दी जिससे पुलिस इसके पास नहीं जा सकी। इसके बाद युवक ने अपनी बात रखने के लिए पुलिस से माइक मांगा और अपनी बात रखी। युवक कंपनी में घाटे और भ्रष्टाचार से अपने आप को पीड़ित बता रहा था। फिलहाल पुलिस अभी घटना के बारे में पूछताछ और कर रही है।